तो दोस्तों आप सभी के लिए रेलवे में एक और भर्ती लाया गया है, जहां पे टोटल आप सभी के लिए 716 पदों के लिए बहाली किया जाएगा। इसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, असिस्टेंट हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और भी वेरियस पोस्ट के लिए आपको बहाली किया जाएगा। अगर आप सिंपल सा 10th पास किए हुए हैं और अगर आप सिंपल सा 10th पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों आप इससे अच्छा खासा आपको टाइम मिला है। लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल तक है फॉर्म फिल करने का। और फॉर्म को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल करना ऑनलाइन, ये सारी बातें को आपको इस वीडियो बताने आ चुका हूँ। तो टाइम चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अकाश धनराज और स्वागत है आपका अपने चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो जहां पे आपका पश्चिम मध्य रेलवे के तहत आपका जारी किया गया है। तो नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपका विषय के रूप में यहाँ पे बताया गया, आप देख लीजिएगा। नीचे तो मेन है जो आपको दिखाता हूँ ये रहा, यहाँ पे टोटल आपका जितना जितना पद है किस ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिल्टर हो गया, वेल्डर हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हो गया, वायरमैन के लिए हो गया, सभी के लिए टोटल कैटेगरी के अनुसार कितना कितना सीट अवेलेबल है सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है। तो नीचे देख सकते हैं टोटल जो आपका वैकेंसी है 716 है। अब पूरी बातें को किस फॉर्म को अप्लाई करना सभी बातें को जान लूंगा। उससे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली कोई भर्ती होती है, चाहे वो आपका बिहार एसएससी के तहत होती है, या तो कांस्टेबल के लिए होती है, या तो टीचर के लिए, या तो केंद्र सरकार की जो भी भर्ती आती है, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के थ्रू अप टू डेट कर देता हूं। अगर चाहते हैं ये सारा वैकेंसी से अपडेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज तो वीडियो को लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। हाँ दोस्तों ऊपर आते देख सकते हैं यहाँ पर आपका बताया जा रहा है जो आपका फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट आपको देख सकते हैं 30 अप्रैल तक बताया जा रहा है। और लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर भी आपको स्पेशल बताया जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर कि अंतिम तिथि कब तक है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो अंतिम तिथि आपको 30 अप्रैल रात्रि 24 मतलब 24 बजे तक, यानी कि आपको 12 बजे तक आपको है, ठीक है। अब आते हैं तो ऊपर वापस फिर से जहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपको कोटा मंडल के अनुसार टोटल कौन कौन सा ट्रेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल, जनरल के लिए 55 है, एससी के लिए 20 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 36 है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 14, इस तरह से टोटल आपका 135 सीट आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए है। उसी तरह से उसको आप आगे जितना भी है आप देख लीजिएगा, फिल्टर के अनुसार देख लीजिएगा कितना कितना कैटेगरी में आपका है सीट लाया गया है, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है वेल्डर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड गैस के लिए है, जहाँ पर भी आप अपने साथ देख लीजिएगा कितना कितना सीट आपका कैटेगरी वाइज है। पेंटर के लिए देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है। उसके बाद मेसन के लिए टोटल 25 आपका जनरल के लिए हो गया, इसमें टोटल 61 सीट है। उसके बाद कारपेंटर के लिए टोटल आपका 73 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 30 सीट है। उसके बाद प्लम्बर के लिए टोटल 58 सीट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्जर एंड हिट ट्रीजर यानी कि ब्लैक स्मिथ के लिए टोटल 63 सीट है। उसके बाद आपका वायरमैन के लिए टोटल आपको यहाँ पर अच्छा खासा 50 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप देखते हैं यहाँ पर आपका 10 सीट है, जो अच्छा खासा 10 सीट ठीक रखा होती है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। मशीनिस्ट के लिए टोटल 5 सीट है। टर्नर के लिए, लेफ्ट असिस्टेंट के लिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए, तो तीनों में आपका दो दो सीट है। उसके बाद ड्राफ्टमैन यानी कि यांत्रिक के लिए टोटल 5 सीट है। यहाँ पर आप टोटल कैटेगरी के अनुसार आपको बताया गया है और टोटल मिला के देखते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना कितना सीट आपको यहाँ पर बताया गया है। और टोटल कुल सीट जो आपका लाया गया है 716 पदों के लिए लाया गया है। तो आते हैं नीचे जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका बस देखते हैं यहाँ पर जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ओएच में आते हैं, उनका 40% से अधिक उनका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उनको 4% का आरक्षण दिया जाएगा। टोटल 4% का उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और जो देखते हैं यहाँ पे जिस ट्रेड से अगर आप फिजिकल एबिलिटी आपके पास है तो आप उस ट्रेड के अनुसार आपको 4% का आपको आरक्षण दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पर टोटल डिटेल्स बताया गया। फिल्टर के अंदर आता है ओएल, बीएल, एलवी, एचएस के अनुसार जो भी आपका आरक्षण आता है, शारीरिक दस्ता आपका पास है, विकलांगता आपके पास है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 4% की डायरेक्ट आपको आरक्षण मिलेगी जो आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद तो आते हैं आगे आयु सीमा आपका क्या होगा। सिंपल सा आपका आयु सीमा न्यूनतम आपको 15 साल होना चाहिए और 24 वर्ष तक आपको होना चाहिए, ठीक है। और तो बाकी तो जो आपको आरक्षण मिलती है एज रिलैक्सेशन, आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के नियम का सॉरी यहाँ पर भी आपको 5 साल, 3 साल, 10 साल जिनको जो मिलता है वो मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है, सिंपल सा अगर आप 10th पास किए हुए हैं और समकक्ष है परीक्षा 10+2 यानी कि 10th पास किए हुए मिनिमम, अगर आप 10th ग्रेजुएशन किए हुए हैं मिनिमम 50% के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 10th+ITI भी किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण अवधि क्या है, प्रशिक्षण अवधि आपको यहाँ पे बताया गया है तो आप देख लीजिएगा। उस पर तो यहाँ पे आवेदन का तरीका क्या है, तो आवेदन का तरीका आपको यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया स्टेप बाय स्टेप, चलिए मैं बताता हूँ। तो आवेदन करने का जो है आपका तरीका है, आवेदन तथा बुलावा पत्र निर्धारित
फॉर्मेट में निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ भरे। दोस्तों यानी कि बताया जा रहा है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आपको ये वेबसाइट, इस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन होगी, तो वहाँ से आप ओपन होगी तो वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया या कुछ कुछ मांगता है वो आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद फाइनल रूप से सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्म फिल करने का सिंपल सा आपको 100 रुपये लग रही है और पोर्टल शुल्क आपको अलग से 70 रुपये, यानी कि 170 रुपये आपको टोटल है जो फॉर्म फिल करने का है चार्ज। ये जो चार्ज है सभी जितने भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी का जनरल ओबीसी एसटी एसटी जो भी है, आप किसी में भी है, आपको इतना चार्ज लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट, तो देखते हैं ये रहा आपका नई वेबसाइट है और पुराना वेबसाइट कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर देखते हो देखते ये आपका पुराना वेबसाइट है, तो ये पुराना वेबसाइट है और ये नई वेबसाइट है। तो नई वेबसाइट पर आप विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी और भी पूरा तरीके से डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। उसके बाद तो नीचे अंतिम तिथि आपको बता चुका हूँ, 30 अप्रैल तक अंतिम तिथि है, रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके भर्ती की प्रणाली आपको पता ही है कि आपका 10th या आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जहाँ पे टोटल सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे दोबारा अगर जाते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट मिलता है तो जरूर मैं इसका वीडियो कल या परसों में अपडेट कर दूंगा कि जैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो कल अभी तक यही न्यूज था, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर करना। और जाते ही अगर वैकेंसी से अप टू डेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।